हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर टॉप 10 वीडियो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को हाल ही में कुछ दिनों पहले रिलीज हुए गेम रेडफॉल जैसे टॉप 10 सिमिलर गेम्स बताने वाला हूँ फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड पीसी यूजर्स। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के आने वाले फर्स्ट नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है वैम्पायर। सो गाइस ये गेम एक थर्ड पर्सन एक्शन रोल प्लेइंग गेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जोनाथन ई रेड। एंड गाइस बेसिकली ये एक डॉक्टर है जिसको वैम्पायर बना दिया गया होता है, एंड ये खून के लिए इनोसेंट पीपल को किल करता है। एंड गेम में आप लोगों को मिली वेपन्स रेंज वेपन्स एंड फायर आर्म्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस जो लोग इस गेम को ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, एंड बाकी जो लोग ट्राई नहीं कर सकते उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ इसी के जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है वैम्पायर राइजिंग मैजिक अरेना। तो गाइस गेम में आप लोगों को ओवर 50 प्लस हीरोज एंड मॉन्स्टर अवेलेबल मिल जाएंगे इन योर कलेक्शन। एंड अगर बात करते हैं इसकी साइज की तो वह 130 MB एंड 3.7 की इसकी रेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गेम में आप लोगों को मल्टीप्लेयर मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ गेम में आप लोग अपने डार्क एम्पायर को बिल्ड या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो। सो गाइस जो लोग वैम्पायर को पीसी पर नहीं खेल सकते, वैम्पायर राइजिंग मैजिक अरेना को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा वैम्पायर जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले थर्ड नंबर के गेम की तरफ, जिसका नाम है घोस्ट वायर टोक्यो। तो गाइस ये एक फर्स्ट पर्सन एक्शन एडवेंचर गेम आपको देखने के लिए मिल जाता है। गेम में हमारा प्लेयर यूज़ करता है साइकिक एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज टू डिफीट द घोस्ट। एंड गाइस गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है अकीटो इजुकी। एंड गेम में आप लोगों को के रिनको मैरी ओकिना स्टूडेंट ऑफ मिस्ट्री जैसे करेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं इसी जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है शेडो ब्लड। सो गाइस ये गेम आपको इजीली प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी साइज की तो वह 424 MB, एंड बात करते हैं अगर रेटिंग की तो वह 4.2। साथ ही साथ गेम में आपको यूनिक हीरोज एंड कॉस्ट्यूम्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड गेम में आप लोगों को ब्यूटीफुली रेंडर्ड ग्राफिक्स के साथ ये गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, गेम में आप लोगों को मोर देन 3000 टाइप्स ऑफ आर्मर्स एंड सोल स्टोन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गेम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रन कर रहा है, एंड गाइस मुझे ऐसा लगता है ये गेम आपको जल्दी से बोर भी नहीं होने देगा। जो लोग घोस्ट वायर टोक्यो को पीसी पर नहीं खेल सकते वो शेडो ब्लड को एक बार जरूर से ट्राई करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा घोस्ट वायर टोक्यो जैसा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले फिफ्थ नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है रेडफॉल। गाइस ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों मोड्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड साथ ही साथ गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड गाइस प्लेयर कैन चूज अमंग 4 कैरेक्टर्स ईच विद यूनिक एबिलिटीज टू फाइट अगेंस्ट वैम्पायर। तो गाइस जो लोग रेडफॉल को पीसी पर नहीं खेल सकते उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है वैम्पायर्स फॉल ओरिजिन। सो गाइस ये गेम आपको इजीली प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, एंड गेम का साइज आपको 137 MB देखने के लिए मिलता है, एंड साथ ही साथ ये गेम आपको 4.6 की रेटिंग के साथ भी मिलेगा। एंड गेम आपको एक टैक्टिकल रोल प्लेइंग गेम आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ गेम में आपको गुड बैकग्राउंड साउंड और स्मूथ गेम प्ले भी देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइस जो लोग रेडफॉल को पीसी पर नहीं खेल सकते वैम्पायर फॉल ओरिजिन को एक बार जरूर से ट्राई करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा रेडफॉल जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले सेवेंथ नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है बैक फॉर ब्लड। सो गाइस ये गेम एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। एंड गेम में आपको होले एवेंगल होकबैन डॉक जिम कैली जैसे करेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गेम में आपको टैक 14 870 एक्सप्रेस AA12 सुपर 90 जैसी वेपन्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस जब बढ़ते हैं इसी की जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाले गेम की तरफ, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है डूम स्टे लास्ट सर्वाइवल। गाइस गेम आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एंड गेम का साइज आपको 1.1 GB देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ गेम की रेटिंग आपको 4.3 देखने के लिए मिलेगी। एंड ये एक ज़ोंबी सर्वाइवल विद मल्टीप्लेयर ऑनलाइन कंपटीशन एंड रियलिस्टिक टाइम स्ट्रेटजिक एलिमेंट्स के साथ गेम आपको मिलता है। एंड गाइस गेम में आपको न्यू टाउन डिफेंस गेम प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें हीरोज की तो गेम में आपको यूनिक हीरोज एंड स्ट्रेटजिक बैटल्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। साथ ही साथ गेम आपको रियलिस्टिक डूम्स एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा देगा। गाइस गेम में आपको ज़ोंबी वॉर्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। सो गाइस जो लोग बैक फॉर ब्लड को पीसी पर नहीं खेल सकते
डूम से लार्ज सर्वाइवल को एक बार जरूर से ट्राई करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देगा बैक फॉर ब्लड जैसा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के आने वाले 9th नंबर गेम की तरफ, जिसका नाम है डेथ लूप। सो गाइस ये गेम आपको एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम देखने के लिए मिलेगा, एंड गेम में आपको सिंगल प्लेयर मोड्स एंड मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ गेम में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है कोल्ट वैन आका, एंड गाइस गेम में आपको हर डे 4 पीरियड्स में डिवाइडेड देखने के लिए मिल जाएगा, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड इवनिंग। एंड गेम में आपको मिली गन्स जैसे कि PT6 स्पाइकर, LIMP10 कंस्टेंसी ऑटोमेटिक यूनिक SMG, वोपेट ट्रेंचर, MG1 पीपर मिल जैसी वेपन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस जो लोग इसको PC पर नहीं खेल सकते उनके लिए मैं एंड्रॉयड पर ही लेकर आ चुका हूँ इसी के जैसे सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देने वाला गेम, वो भी एंड्रॉयड पर ही, जिसका नाम है डेथ इन्वेशन जोम्बी गेम। तो गाइस गेम की रेटिंग आपको 4.2 देखने के लिए मिलती है, एंड गेम का साइज आपको 152 MB देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ ये एक 3D जोम्बी सर्वाइवल गेम आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंड गेम में आपको भर भर के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि HD बैटल सीन, रियल स्टोरी डायलॉग, रिच गियर सिस्टम, अवेजम एक्शंस, फ्री मूविंग TPS गेम जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। गाइस 152 MB के हिसाब से ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगे मेरे को गेम में, एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी गेम रन कर रहा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड गेम ये आपको लेवल वाइज देखने के लिए मिलता है। सो गाइस जो लोग डेड लूप को PC पर नहीं खेल सकते, डेड इन्वेंशन जोम्बी गेम को एक बार जरूर से ट्राई करें, आपको ईजी प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टॉप 10 गेम रेडफॉल जैसे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।